रन नहीं बनाता, ठीक है। और बेंगलोर में तो आपको पता है ही है, ठीक है, चिन्नास्वामी में रन बनता ही है, ठीक है। तो बाकी लाइव देखना पड़ेगा, लाइव देखने से पता चलेगा। इंडिया टाइम का मुताबिक ये 7 बजे से ही आएगा शायद, या 7:30 से आएगा, ठीक है। मोहाली का मैच आपको हमेशा ये लंबी वगैरह सेशन वगैरह यस मिले मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, ठीक है। अगर इंडिया बेट पे आया तो यस मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड भी छोटा रहता है और वहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम मोहाली पे आता है, आपका जो भी केज वगैरह लॉन्ग केज आता है, हाई केज, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी हम लोग टीम का एनालिसिस कर लेते हैं, और इंडिया का स्कोर देखना था, रोहित शर्मा कैप्टन है, स्वयं गिल, रोहित शर्मा मतलब अपना देश पे अच्छा तो खेलता ही है, ठीक है, अपना धरती पे कोई भी अच्छा खेल लेता है। रोहित शर्मा स्वयं गिल को बोलना है नहीं, जसवाल तो आते ही बल्ला घूमेगा, आपको पता है ही है, रन ये बॉल नॉट कर लेना। विराट कोहली तो अच्छा प्ले ही कर रहा है, फॉर्म में अच्छा है, ठीक है। तिलक वर्मा वो भी बॉल नॉट रन ईयर, रन ईयर्स का कैंडिडेट रहेगा। रिंकू सिंह बॉल नॉट रन ईयर्स, ठीक है। जतीश शर्मा बॉल नॉट रन ईयर्स, ठीक है। संजू सैमसन इसका थोड़ा सा रिक्स है, ठीक है, इसका कुछ मत करना, बाकी देखना पड़ेगा। और शिवम दुबे, ठीक है, शिवम दुबे आपको ड्रीम इलेवन में लेना है, शिवम दुबे को लेना है आपको ड्रीम इलेवन में लेने के लिए। आपको देखिए रोहित शर्मा को पिक करना है, जसवाल को पिक करना है, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, और बॉलर में आपको देखो इतना स्पिन बॉलर लेके खेल रहा है, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, ठीक है, और 3 स्पिन बॉलर है, यानी कि ये पिच रहेगा लेकिन बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, मतलब बोथ साइड रहेगा, ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों फ्रेंडली रह जाएगा, ठीक है। मतलब या तो सेकंड इनिंग चेस करने वाला टीम के लिए आसान हो जाएगा ड्यू वगैरह के लिए, और फर्स्ट इनिंग्स में जो बैट करेगा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखिए बॉलिंग में आपको लेना है रवि बिश्नोई, ठीक है, कुलदीप, अर्षदीप, और मुकेश कुमार तो अच्छा कर रहा है, आवाज़ खान नहीं रहेगा। तो मेरा मुझसे कोई पूछेगा तो आपका प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए, मुकेश कुमार, अर्षदीप, कुलदीप, रवि बिश्नोई, ठीक है, उसके बाद दो दो विकेट कीपर तो खेलेगा नहीं, तो मैं जतीश शर्मा को ही मैं चांस दूंगा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, विराट, ऐसे गिल, रोहित, ठीक है, तो यही में रहेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया इस पर क्या करना है आपको। और अभी अफगान का देख लेते हैं, ठीक है, अफगान का देखिए गुरबाद आते ही बल्ला घुमाने चालू करता है, बॉल नॉट रन ईयर्स का कैंडिडेट बन जाएगा, जजाई भी वही है बॉल नॉट रन ईयर्स, ठीक है। बाकी इसको टच मत कीजिएगा, रहमत साहब भी टच मत कीजिएगा, बेस्ट ओडीआई भी ले रहे हैं, मोहम्मद नबी को भी टच मत कीजिएगा, नवीन चरदन अच्छा प्ले कर लेता है, ठीक है, ओडीआई पे करम धन्ना देव भी पीट के मतलब मार के ही प्ले करता है, ठीक है। उमर चाहे बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है, और यहाँ पे फारूकी लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर आपको पता ही है, नवीनुल्ला हॉक, देखिए उसलिए मैंने बोला था नवीनुल्ला हॉक का मतलब इंडिया के साथ मैच है, टी ट्वेंटी मैच है, तो उसका वजह से आपको ऐसे T20 में 3 मैच तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। नूरा मेट स्पिन बॉल है ये, ठीक है, यहाँ पे राशिद खान, हाँ राशिद खान है, तो राशिद खान यहाँ पर है तो वहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे T20 में नहीं रहेगा 3 में, उसके बाद आएगा। मुजीबुर रहमान जानते ही हो, ठीक है, कुछ बोलना है नहीं, ये छोटा सा एक वीडियो बना दिया मैंने क्योंकि आप लोग को अच्छा लगेगा, और मेरा एनालिसिस यही रहेगा, मैच में कुछ होना है नहीं, ठीक है। ये मुझे तो बिल्कुल ये 3-0 ही लगता है, ठीक है, इंडिया 3 में से 3 जीतेगा, 1 भी नहीं जीतेगा, ठीक है। हाँ कलर आ सकता है मैच पे, कलर आएगा भाई, कुछ भी होगा तो मैं चैनल पर अपडेट करूँगा, वो तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी कुछ हो पाएगा मुझसे हेल्प मैं टेलीग्राम चैनल पे ही करूँगा। तो वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ।